पीएम जनमन योजना जनमन योजना है ना भाई, जनमन योजना रिचेज आउट टू दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीएम जनमन योजना कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रारंभ किया गया है। पीएम जनमन स्कीम, जनमन का मतलब क्या, देखिए प्रधानमंत्री का फुल फॉर्म लिख लीजिए एटलीस्ट, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। देख लिया पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रोवाइड्स क्रेडिट सपोर्ट टू आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन। इंगेज्ड इन 18 ट्रेड्स पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन इंगेज्ड इन 18 ट्रेड्स। ये तो पूरा पढ़ा चुके हैं ना इस योजना के बारे में। तो 18 ट्रेड इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि 18 तरह के रोजगार करने वाले जो मिस्त्री हैं उनको इस तरह का इस योजना के तहत जो है पढ़ाया था आपको, 3 लाख रुपए तक का मैक्सिमम जो है लोन इसमें वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट योजना है। सेकंड पॉइंट भीगा वेलफेयर ऑफ अन्नदाता यानी फार्मर, सेकंड पॉइंट आ गया। पहला था गरीब के लिए क्या किए हैं, तो ये यही कह रहे हैं कि हमने जनमन योजना चलाया है आदिवासियों के लिए, है ना। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करवाया, स्वनिधि योजना चलाया, ये सारा उन्होंने बताया। अब आ जाइए वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, किसानों के कल्याण, और ये अंडर पीएम किसान सम्मान योजना डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत टू 11.8 करोड़ फार्मर्स।
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। वही 6,000 जो देते हैं साल में ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 11.8 हाँ, 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रॉप इंश्योरेंस इज गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों की फसल बीमा किया गया है। ई नैम हैज इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज। ई नैम क्या है? ई नैम जी, हाँ वही है, कल ही बात हुई थी इसके बारे में, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ये। हैज इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स। ई नाम के तहत 1361 मंडियों को जोड़ा गया है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़, विद ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़। मंडियों को जोड़ा गया है जो 1.8 करोड़ किसानों को सेवा प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदान कर रहा है और जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इसमें डेट वेट नहीं दिया कि कब से कब के बारे में बात कर रहे हैं, कि 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं, कि 5 साल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना करोड़ लोग किसानों को, 1.8 करोड़ किसान को जो है सेवा दे रहे हैं। ये तो इतने सारे रजिस्टर्ड होंगे इसका मतलब, इसलिए बता रहे हैं इतने हैं, और वॉल्यूम 3 लाख करोड़ बता रहे हैं। अभी कब से है, जब से शुरू हुआ है तभी से है कि कैसे है? चलिए, एक डाटा तो आपको कम से कम मिला कि हाँ ई नाम में कुछ हो रहा है, इतने किसानों से जुड़े हुए हैं, करीब 2 करोड़ किसान इसमें जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और 1361 मंडियों को जोड़ा गया है। जब पढ़ाए थे बताए थे आपको कि मंडियों को भी इसमें जोड़ा गया है मूल रूप से। और लिखिएगा, तीसरी जाति, एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी द युवा। ये अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, अमृत पीढ़ी मतलब युवा वर्ग, आप लोग अमृत पीढ़ी के हो भाई। फर्स्ट पॉइंट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म। 2020 इज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स। नई शिक्षा नीति 2000 के कारण परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के कारण
पढ़ा चुके आपको बता चुके क्या क्या उसमें प्रोविजंस है मूल रूप से, पढ़े थे ना, भूल गए कैसी बताएं आगे कहां से। नई शिक्षा नीति के तहत क्या लिखे आप, परिवर्तनकारी सुधार हुआ है, परिवर्तनकारी सुधार हो रहा है ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ब्रैकेट में लिखिएगा पीएम श्री, ये कोई स्कूल ऐसा है कोई पीएम श्री के नाम SHRI, चैप्टर में लिखिएगा भाई SHRI पीएम श्री। लिखने मिट रहा है पीएम श्री, ऐसे स्कूल नाम से कोई स्कूल है, यही स्कूल खोल रहे हैं ये नई शिक्षा नीति के तहत। आर डिलीवरिंग क्वालिटी टीचिंग एंड नर्चरिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स एंड नर्चरिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल, हिंदी में लिखिएगा पीएम, क्या लिखिए उदयमान भारत के लिए पीएम श्री योजना, योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा प्रदान की जा रही है जो समग्र एवं चहुमुखी विकास को संभव बना रहा है। चहुमुखी वेल राउंडेड या ऑल राउंडेड जो भी कहें, ये हो रहा है भाई, पता नहीं है, चहुमुखी विकास हो रहा है बच्चों का, चहुमुखी विकास हो रहा है खुद तो उनकी सब तरफ से हो रहा है, शिक्षा के लिए भी स्वास्थ्य के लिए भी, है ना। पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल खोला जा रहा है भाई नई शिक्षा नीति के तहत, इतना याद रखना, सुनो इसका क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि पीएम श्री योजना जो है ना, ये जो नई पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी 2020 का, उसके तहत स्कूल खोले जा रहे हैं जिसमें कि जो सिलेबस जो चेंजेस बताए गए हैं न्यू शिक्षा नीति के तहत, उसके हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करवाया जाएगा, कर रहा है बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं कि हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। इंडिविजुअल्स नेक्स्ट पॉइंट, द स्किल इंडिया मिशन हैज ट्रेन्ड 1.4 करोड़ यूथ, अपस्किल्ड एंड रीस्किल्ड 54 लाख यूथ, अपस्किल्ड एंड रीस्किल्ड 54 लाख यूथ
एंड एस्टेब्लिश्ड 3000 न्यू IITs. स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. ITI, इतना IIT खुल गया तो फिर तो पाकिस्तान से श्रीलंका से भी सब आएंगे पढ़ने यहाँ पे. 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन, 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन एवं पुनर्कौशल किया गया है. और 300 नए ITI खोले गए हैं. 3000 नए ITI खोले गए हैं. चौवन लाख युवाओं का कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल किया गया है और 3000 नए ITI खोले गए हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग हैज बीन सेट अप. न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, उच्चतर शिक्षा के संस्थान बड़ी संख्या में खोले गए हैं. न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग नेमली 7 IITs, 7 IIT हैं, 16 IIITs, IIITs, 7 IIMs, 15 AIIMS, AIIMS, 390 universities, जिसमें 7 IIT चली है, 16 IIITs, 7 IIM, नहीं समझ में आया. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय खुल गए हैं. 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं. नेक्स्ट, पीएम मुद्रा योजना है सैंक्शनड 43 करोड़ लोन्स पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन की मंजूरी दी गई है. 43 करोड़ लोन्स एग्रीगेटिंग टू रुपीज 22.5 लाख करोड़ 22.5 लाख करोड़ टू द यूथ. पीएम मुद्रा योजना के तहत 83 करोड़ ऋण की मंजूरी की गई है, जिसके द्वारा युवाओं को
22.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। और चौथी जाति आ जाइए, मोमेंटम टू नारी शक्ति। नारी शक्ति की गतिशीलता ₹30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स हैव बीन गिवन टू वुमन एंटरप्रेन्योर्स। वुमन एंटरप्रेन्योर्स महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। भाई टोटल 43 करोड़ दिया था उन्होंने, उसमें से महिलाओं को जो है 30 करोड़ लोन दिए, तो महिलाओं को ही तो ज्यादा दिए ना। सेकेंड लिखिएगा, फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज गॉन अप। In higher education has gone up by 28% in 10 years. पिछले 10 वर्षों में 10 शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% से बढ़ गया है। थर्ड लिखिए, ट्रिपल तलाक हैज बीन मेड इलीगल। 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया है। नेक्स्ट लिखेगा, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा एवं राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट लिखेगा, गिविंग ओवर 70% हाउसेस, अंडर पीएम आवास योजना, इन रूरल एरियाज टू वुमेन। देखिए पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 70% आवास प्रदान किया गया है। 70% आवास प्रदान किया गया है, तभी महिला लोग खुश नहीं है। आप लोग वोट डालिएगा भाई, सारे लोग जाके वोट डालोगे भाई। ये हो गया 4 जातियों के बारे में सरकार ने जो विशेष काम किया उनका उन्होंने गिनाया बजट में, कि हमने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। जो 4 जातियां हैं
उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाया गया और उसके लिए उस कार्यक्रम के तहत कितना बेनिफिट मिला है उनको, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, एग्जेम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये शासन विकास और कार्य संपादन का अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया है। गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी, सरकार अधिक व्यापक जीडीपी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी दैट इज गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, अधिक व्यापक जीडीपी पर ध्यान संकेंद्रित कर रही है। जीडीपी दैट इज गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। व्यापक जीडीपी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे शासन विकास एवं निष्पादन। गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पीपल सेंट्रिक एंड ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ने पारदर्शी जवाबदेही लोक केंद्रित एवं तत्पर विश्वास आधारित प्रशासन उपलब्ध कराया है। इट इज विथ सिटीजन फर्स्ट एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच, सिटीजन फर्स्ट इंपोर्टेंट को दे दी गई उसको सिटीजन फर्स्ट एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच, यह नागरिक प्रथम एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर आधारित है। ये कह रहे हमने जो कुछ भी काम किया ना, वो दो बात है। एक पहला तो कह रहे हैं सिटीजन फर्स्ट, ये सब अप्रोच है, डेवलपमेंट का अप्रोच है ना, वे पहले देश के नागरिक के बारे में सोच रही है सरकार। और दूसरा बात कह रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना, ये एक पढ़ोगे गुड गवर्नेंस एक टर्म आता है ना,
गुड गवर्नेंस एक टर्म आता है, उसी के अंदर जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में बात आती है, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना है, जिसमें कि सरकार अपने जो पुराने जो लायबिलिटी है उसको धीरे धीरे कम कर रही है, सरकार का इंक्रोचमेंट कम हो रहा है, गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस बढ़ रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, है ना, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो रहा है, इसे लाइसेंस सिस्टम बड़ा खत्म कर दिया गया है, बहुत सारे रूल्स थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, पढ़ाए थे ना बहुत सारे रूल्स जिसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया जो पहले क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था, तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपने आप को छोटा कर रही है, गवर्नेंस को बढ़ा रही है, शासन व्यवस्था को बढ़ा रही है, तो एक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, करिए कि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक प्रबंधन। मेजर एलिमेंट्स ऑफ पीपुल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मेजर एलिमेंट्स ऑफ पीपुल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट आर लोक केंद्रित समावेशी विकास के मुख्य तत्व निम्न हैं। पीपुल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट आर नंबर वन All forms of infrastructure physical, digital or social are being built in record time, digital and or social are being built in record time. सभी प्रकार के आधारभूत संरचना चाहे वे भौतिक डिजिटल या सामाजिक हो, रिकॉर्ड समय में बनाए जा रहे हैं। सेकेंड, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बन रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सक्रिय रूप से भागीदार बन रहे हैं। थर्ड लिखेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया स्टैग कल पढ़ाए थे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन 21st सेंचुरी is instrumental in formalization of economy, क्योंकि उत्पादक के एक नए कारक
डिजिटल लोक आधारभूत संरचना डिजिटल लोक आधारभूत संरचना इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहायक है। फोर्थ लिखें गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज इनेबल्ड वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज इनेबल्ड वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। माल एवं सेवा कर ने एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर को संभव बनाया है। एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर को संभव बनाया है। फिफ्थ लिखेंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। गिफ्ट IFSC गिफ्ट सिटी कहां बना है जी? तो गिफ्ट IFSC बोलते हैं उनको IFSC हैज बिकेम फंक्शनल। गिफ्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा हिंदी में भी लिख लेना। गिफ्ट IFSC प्रारंभ किया गया है। गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यह है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी IFSC है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। तो इंडिया का पहला जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर खोला गया गिफ्ट सिटी के नाम से आइए जो कि गांधीनगर जिला के गुजरात में अवस्थित है। सेवेंथ लिखेंगे प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हैज हेल्प्ड टू कीप इन्फ्लेशन विद इन पॉलिसी बैंड। सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन से इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हैज हेल्प्ड टू कीप इन्फ्लेशन विद इन पॉलिसी बैंड। पॉलिसी बैंड कितना है जी इन्फ्लेशन का? 4 ± 2 ये बैंड है ना। RBI जो पढ़ाते बताए थे आपको
यानी 2 से लेकर 6 तक का बैंड है इन्फ्लेशन का। मैनेजमेंट हैज हेल्प्ड कीप इन्फ्लेशन विद इन द पॉलिसी बैंड। सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन से मुद्रास्फीति पॉलिसी बैंड के अनुरूप रखने में मदद मिली है। मुद्रास्फीति पॉलिसी बैंड के अनुरूप रखने में मदद मिली है।